चल रही है। आज का दिन हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज जनता इस बात को याद रख रही है कि पिछले 10 साल से भुगौनी विधानसभा ने राव देशा सिंह जी के परिवार से विधायक नहीं है, लेकिन जब यहां दिग्विजय सिंह जी नहीं पहुंच पाए थे, जब हम सब मंच पे मौजूद थे, तो हजारों की संख्या में जो आज लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि राव परिवार ऐसा परिवार है जो विधायक पद के बिना भी इतना ताकतवर और प्रभावशाली है, जिसका संपर्क, जिसका संबंध मुगावली और अशोक नगर के एक एक परिवार के साथ है, एक एक व्यक्ति के साथ है, और ये संबंध और ये सम्मान एक व्यक्ति का, एक परिवार का तब ही बनता है जब उस परिवार के लोग निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करते हैं। मुझे राव अजय बता रहे थे कि अमरोध ऐसा कस्बा है जो आता है मुगावली विधानसभा से, 1 किलोमीटर दूर अशोक नगर विधानसभा लगती है, 1 किलोमीटर दूर चंदेरी विधानसभा लगती है, तीनों विधानसभाओं का संगम अमरोध में होता है, और टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी पहली सभा कांग्रेस की अमरोध में हो रही है। आप सबसे मैं आज करना चाहता हूं, मैं भी मंच पे विचार कर रहा था कि आज जो लोग मंच पे बैठे हैं, 2018 में क्या हमने कभी सपना देखा होगा कि हम सब लोग एक मंच पे बैठे होंगे? आज से 5 साल पहले बहुत अलग परिस्थितियां होती थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस का नेतृत्व था वो कोई और करता था, लेकिन 2020 मार्च में सिंधिया जी पार्टी छोड़ के चले गए, उनके साथ हमारे जिले के 2 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। मैं उसमें विचार करता था कि आखिर इनको ने ऐसा क्यों किया, आखिर सरकार हमारी चल रही थी, क्या गलती कमलनाथ जी की थी? लेकिन मुझे आज विश्वास हो गया है जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। शायद बाकी बिहारी जी की इच्छा थी कि हम सब परिवार को साथ रहना है आगे के लिए, भविष्य के लिए। बोलो राधे राधे। और मैं आपको आज इतना कह सकता हूं, जब तक ये जान है राघोगढ़ और अमरोध परिवार सदैव साथ रहेगा। मैं आपसे ये बात दर्ज करना चाहता हूं, आने वाले 28-29 दिनों में पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश ये चुनाव देखेगा। ये बात सही है कि 3 साल पहले एक गुट कांग्रेस से भाजपा में गया था, और ये बात भी सही है कि 6 महीने पहले राव यादवेंद्र जी के साथ में भी, और आज भाई साहब जी के साथ में और राव अजय जी के साथ में भी अनेकों लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, लेकिन 2020 के विषय में और आज के विषय में अगर सबसे बड़ा अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो लोग 2020 में कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो तो सौदे के आधार पर गए थे, वो लोग तो
जनता के मत को बेचकर पार्टी बदले थे, जनता को धोखा देकर पार्टी बदले थे। लेकिन चाहे राव यादवेन जी हो, चाहे भाई साहब यादव हो, या फिर राव अजय जी हो, इन लोगों ने पार्टी बदली है। लेकिन इन लोगों ने बिना कोई शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए, बिना कोई सौदे के कांग्रेस में शामिल हुए। यही सबसे बड़ा परिवर्तन इनमें और उनमें है। राव यादवेन जी हमारे यहां के वर्तमान के मंत्री के बारे में बात कर रहे थे, धंधे चल रहे हैं रेत के, रेत तो छोड़ो, गरीबों का अनाज भी नहीं छोड़ा। मैं तो मन में विचार कर रहा था कि हमारे दोनों जिलों में जो जिले पहले एक होते थे, दोनों मंत्री हैं और दोनों एक ममोली के और एक मुंगावली के हैं, और परिस्थितियां ऐसी बन गई दोनों की एक जैसी स्थिति हो गई। फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, क्या चर्चा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है सब चीजों के बारे में। जनता तो एक ही बात कह रही है कि कैसा राज है भाजपा का, जनता खौफ में मंत्री मौज में। ये भी एक अद्भुत बात कि अब समय आ गया है जब अशोकनगर का भविष्य, मुगावली का भविष्य और चंदेरी का भविष्य आप सबके हाथों में। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस का वचन पत्र प्रस्तुत किया था। आपको याद होगा कांग्रेस के 15 महीने में हमने शुरुआत कर्ज माफी की थी, और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या था कर्ज माफी का। आप आज देखिए, चाहे बात चंदेरी की हो, अशोकनगर की हो, मुगावली की हो, गुना जिले की हो, कोलारस की हो, जिन जिन किसानों के खाते सहकारी बैंक में है, जब समय आता है केसीसी की राशि जमा करने का तो बहुत दबाव आता है। लेकिन जब किसान जाता है सहकारी बैंक में और 0% पर ब्याज के आधार पर जब वो नकदी पैसा मांगता है सहकारी बैंक में, तो क्या किसी को मिलता है क्या? आज ये स्थिति बन गई है गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, शिवपुरी जिले में और ग्वालियर जिले में, कि इन चारों जिलों में पूरे सहकारी बैंक ठप हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। और ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि चंदेरी सहकारी बैंक में जो दलाल भाजपा के थे उन्होंने वहां पर 120 करोड़ का गबन किया। जो कर्मचारी कोलारस सहकारी बैंक में थे शिवपुरी में, उन्होंने 120 करोड़ रुपए का गबन किया, और वो किसका पैसा था? किसान का पैसा था। आपको याद होगा जब सरकार कांग्रेस की होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, तो हर 5 साल चुनाव होते थे सहकारी बैंक के, होते थे नहीं होते थे, चुनाव होते थे सोसाइटियों के, चुनाव होते थे मंडियों के। लेकिन भाजपा के राज में पिछले 10-12 साल से ना चुनाव हुए मंडी के, ना चुनाव हुए सहकारी बैंक के, ना चुनाव हुए सोसाइटियों के। और आप स्वयं कल्पना कीजिए कि अगर चुनाव होते तो सहकारी बैंक पर कौन हावी होता? किसान हावी होता। अगर चुनाव सोसाइटी के होते तो सोसाइटी पर कौन हावी होता? अगर चुनाव मंडी के होते तो मंडी पर कौन हावी होता? किसान होता। लेकिन अगर चुनाव नहीं हो रहे तो पिछले 10-12 साल से मंडी पर, सोसाइटी पर, सहकारी बैंक पर कौन हावी है? भाजपा के दलाल हावी। और आज इसलिए नौबत आई है। तो हमारी सोच यही है, कर्ज माफी जब होगी तो उससे जो शेष राशि रह गई है, जो गायब हो चुकी है, जो बकाया किसान का है, जब उसकी पूर्ति होगी तो पुनः हमारे सहकारी बैंक जीवित होंगे, किसान के हाथ पे नई शक्ति आएगी। और इस बात को हमने ये भी तय किया है कि हम सिर्फ किसानों के हित के लिए
कर्ज माफी तक सीमित नहीं रहेंगे। हमने इस बार 3 दिन पहले ऐलान किया है, सरकार जैसे 1 महीने बाद कांग्रेस की बनेगी तो पूरे मध्य प्रदेश में हर किसान की गेहूं की खरीदी 1900 में नहीं 2600 में की जाएगी। ये हमारा वचन है कि किसान को है। और उसके साथ साथ क्योंकि अशोकनगर में तो काफी धान की फसल भी होती है, तो कांग्रेस पार्टी ने इतना वचन दिया है कि धान की खरीदी भी 2500 रुपए में की जाएगी। इसके अलावा हमने इस बार ऐलान किया है, क्योंकि अभी समय सीजन का आ गया है, जो भी पुराने कृषि के बकाए हैं वो पूरे माफ किए जाएंगे और 5 हॉर्स पावर तक बिजली का बिल माफ किया जाएगा। 10 हॉर्स पावर तक भी किसानों को आधे बिजली के बिल दिए जाएंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जिसके माध्यम से हर परिवार को, हर किसान को लाभ मिलेगा। आखिरी में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं लाडली बहना योजना के बारे में। चर्चा है आज आम जनता में, शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 18 सालों में मामू को कभी लाडली बहनों की याद नहीं आई। अब जब उनको लगा जमीन फिसल रही है पैरों के नीचे से, लाडली बहना याद आ गई। पहले कहा कि हर माता हर बहन को लाभ मिलेगा, फिर शर्तें आ गई, कोई माता जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है उसको लाभ नहीं मिलेगा, कोई बहन जिसकी उम्र 23 वर्ष से कम की है उसको लाभ नहीं मिलेगा, जिसको पेंशन पहले से मिल रही है उसको सिर्फ 400 रुपए ऊपर से मिलेंगे। ऐसा कर करके परिणाम ये आया है कि मुश्किल से हर गांव में, हर पंचायत में 100 में से सिर्फ 30-40 माता बहनों को लाभ मिल रहा है। आज भी हर गांव में 70% माता बहनें ऐसी हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस की सरकार नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हर माता हर बहन, चाहे उस बहन की उम्र 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की हो या फिर उस माता की उम्र 60 वर्ष के ऊपर की हो, कांग्रेस की सरकार हर माता हर बहन को प्रति माह 1500 रुपए देगी। यह हमारा वादा है। लेकिन उसके साथ साथ रसोई गैस की टंकी भी हर परिवार को भाजपा के 1100 में नहीं बल्कि 500 रुपए में दी जाएगी। अब जैसे ये घोषणा हुई तो मामू भी चालू हो गए फेंकने में, वो भी देंगे भाजपा देगी 450 रुपए में। और घोषणा की रक्षाबंधन के दिन, अब आप मुझे बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मुगावली अशोकगंज चंदेरी के एक भी परिवार को रसोई गैस की टंकी 450 में मिली है क्या? और आखिर जो व्यक्ति बहनों से रक्षाबंधन के दिन, और आज तो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि जब कोरोना काल था, जब लाडली बहने खतरे में थी तो रसोई गैस 1150 रुपए में, और अब जब मामा खतरे में तो रसोई गैस 450 रुपए में। वाह 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 वाह। हमारा तो वचन है कि हमारी कोई योजना 3-4 महीने की नहीं रहेगी, जैसा कमलनाथ जी ने किया था, उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआत कर्ज माफी की थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल शुरुआत गौशालाओं की थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल बिजली के बिल घरों के 100 रुपए 100 यूनिट किए थे। और हमारा वचन है और आपसे मेरी प्रार्थना है, एक बार राव यादवेंद्र सिंह जी को 5 साल का मौका दीजिए, एक बार हरिबाबू जी को 5 साल का मौका दीजिए। हमारे चंदेरी के क्षेत्र वैसे ही हमारे भारे मनोज जीत के आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज मैं माहौल देख रहा हूँ, 3 सीटों पर अशोकनगर में कांग्रेस की जीत होगी। और एक बार कमलनाथ जी को 5 साल का मौका दीजिए। हमारा आपको वचन है कि 5 साल के पूरे 60 महीनों में हमारी माता बहनों को प्रति माह राशि दी जाएगी और प्रति माह हर परिवार को रसोई गैस की टंकी भी 500 में दी जाएगी। ये कांग्रेस का वचन आप सबको है। और आखिर जब हमने बात लाडली बहनों की है, लाडली जवाई हमारे बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, आपकी बात भी जरूरी है। और आज तो हर युवा इस बात से परेशान है कि भाजपा के राज में जो इनकी बड़ी बड़ी बातें होती थी कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल
2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे अनेकों गांव के यहाँ पे साथीगण उपस्थित है, क्या एक भी गांव के शिक्षित युवा को कोई नया सरकारी पद मिला है क्या? नहीं मिला। अगर मिला भी है तो आउटसोर्स का मिला है। आउटसोर्स तो वो प्रथा होती है कि जब ठेकेदार चाहे भर्ती कर भी सकता है और जब ठेकेदार चाहे हटा भी सकता है। लेकिन आप वो समय याद करो जब बड़े साहब मुख्यमंत्री होते थे, उस समय गांव का शिक्षित बेटा शिक्षक बना था, हर पंचायत में नियुक्तियां हुई थी। और सिर्फ बात शिक्षा कर्मी की नहीं है, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा ऊषा कार्यकर्ता हो, अगर ये सब सरकारी पद किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। और इस बार कांग्रेस ने वचन दिया है 3 दिन पहले, सरकार बनने पर हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में 1 लाख से अधिक सरकारी पद देंगे, जिसके द्वारा हमारा शिक्षित युवा जो गांव का है वो आत्मनिर्भर बनेगा। मैं तो आज आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अब हम सब हमारे जो शेष वक्ता है उनको भी सुनना चाहते हैं, लेकिन आज राव देशराज सिंह जी ऊपर से देख रहे होंगे और आज वो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज पूरा परिवार एक साथ खड़ा है और हम सब मिलके एक बार जरूर मुगावली विधानसभा का जो एक एक मतदाता है, आप एक बार जरूर याद रखना 17 नवंबर को, कि उस दिन राव यादवेन जी के साथ में आपका मत राव देशराज सिंह जी के लिए भी रहेगा। और आपको इस भावना के साथ और इस ताकत के साथ अगले 1 महीने में काम करना है और उसके आगे जिंदगी भर हम सब आपके चरणों में रह के आपकी सेवा करेंगे, ये मेरा आप सबको वचन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के देश की राजनीति में लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो जनता की सेवा करते हैं। जन सेवा ही नारायण सेवा है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है, अजय ने बड़े सुंदर ढंग से भाजपा में रहते हुए उस पर क्या नीति है ये आपको बताया। पिछले 20 साल से जनता को शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ठग रही है। बड़े बड़े लंबी बातें, बड़े बड़े वादे और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके धर्म की बात करते हैं। ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, ये लोग धर्म के नाम पर चंदा उगाकर सौदागर है। हमारा धर्म सनातन धर्म जो है वो सबके लिए है और इस सनातन धर्म में कोई ऊंच नीच भी नहीं, छुआछूत भी बाद में आई। हमारे सनातन धर्म में जात पात नहीं थी, कर्म से व्यक्ति को वर्ग में डाला जाता था। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से सबको समान अवसर दिया और भारतीय संविधान में उन लोगों को आगे आने का मौका दिया जिनको ऐतिहासिक रूप से अवसर नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ, किसानों की सहायता की, मजदूरों की सहायता की और जैसा बताया गया कि हम लोगों ने सत्ता को जनता के हाथ में सौंपा। मेरे कार्यकाल में आप सब लोग जानते हैं
पंचायतों को अधिकार दिए, गांव के अंदर बैठ के पंचायत में नामांतरण बंटवारा हो जाता था पंचायत के अंदर। आज वही नामांतरण बंटवारे में कितना खर्चा होता है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने पंचायतों को अधिकार दिए नियुक्तियों के, रोजगार के, लेकिन वो सारे अधिकार इस भाजपा ने छीन लिए। इसलिए साथियों, जो कमलनाथ जी की योजना है वो जयवर्धन आपको विस्तार से बता चुके हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो एक बात जानता हूं, आज जनता बदलाव चाहती है। चाहती है कि नहीं चाहती? बदलाव इसलिए चाहती है कि लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। यदि बदलाव नहीं होगा, यदि शासकों के मन में ये बात नहीं हो जाए कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, अगर ऐसी बात हो गई लोकतंत्र नहीं बचेगा, तांडव ही बच रहा है। सही कहा तुमने। इसलिए आज बदलाव की आवश्यकता है और हमने जो उम्मीदवार यहां दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में आज सीटें आ गई है। कोशिश की गई है कि सर्वे के आधार पर दिया जाए, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। और कमलनाथ जी वो नेता है जो अपने सेवा काल के पहले दिन से जो वादे किए निभाना शुरू कर देते हैं। शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कर्जा माफ होगा। मैंने भी जब शपथ ली थी सबसे पहला काम किया था कि 5 हॉर्स पावर की बिजली किसानों को मुफ्त में दी जाएगी और गरीबों के घर में सिंगल पॉइंट कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। और ये लोग जो है, चुनाव आता है तो ये योजना वो योजना, क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव जीत जाने के बाद फिर कौन पूछता है। इसलिए साथियों, आप सब से यही प्रार्थना है कि समय परिवर्तन का है और मुझे विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे और 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक वोटों से जिताकर तीनों अशोकनगर की सीटें ही नहीं देंगे, आसपास के जिलों की सीटों पर भी कांग्रेस को समर्थन दें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।